अपनी कुछ मांगों को लेकर के नगर परिषद के जो संविदा कर्मी हैं वो धरना दे रहे हैं, और आपको बताते चले कि इनकी कुछ मांगे हैं बिहार सरकार से, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये हाथों में जो तख्तियां लिए हुए हैं और कई तरह की इनकी मांगे हैं जिसको लेकर हाथों में तख्तियां लेकर के सरकार के विरोध में। और ये आज जो नगर परिषद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जमकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये धरना दे रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, देखिए आप देख सकते हैं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना के निर्देश पर ये लोग धरना दिए हुए हैं। और आपको बताते चले कि कोरोना जैसी महामारी जो है कार्यरत संविदा दैनिक परिशक्मिक कर्मचारियों को पटना नगर निगम की तरह मांगों को पूर्ति की जाए, तरह तरह की इनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर के ये तमाम लोग हाथों में तख्तियां लेकर के नगर परिषद जो है उसके ये लोग कर्मी हैं और ये सरकार के विरुद्ध आक्रोश है इनके अंदर। और क्या कुछ इनका कहना है, आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ आपका कहना है और किस लिए आप लोग आज सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हम लोग की मेन मांगे हैं कि जैसे कि सरकार हम लोग को 2 महीने के लिए रख रही है फिर हटा रही है, हम लोग वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? उसके एवज में हमारा जो स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, पटना महासंघ है, वहाँ से हम लोग पूरे नगर निगम नगर पंचायत जो भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं हम लोग प्रतिवाद विरोध दिवस मना रहे हैं आज। अच्छा, तो इसलिए सभी जगह हम लोग मनाए हैं, सिवान में भी हम लोग मनाए हैं। और हम लोग की मेन मांगे जो भविष्य निधि है जो 12% हम लोग के वेतन से कटता है वो नगर परिषद 13% उसमें इंक्रीमेंट करे और उसका अद्यतन कराकर कर्मचारियों को सूचना दिया जाए। और फिर है जो हम लोग को कर्मचारी हैं उन लोगों को नियमित किया जाए, निजीकरण जो हो रहा है अभी तक आप लोगों को परमानेंट नहीं किया गया? नहीं, अभी तक नहीं किया गया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि काम भी लिया जा रहा है, कभी बीच में हटाया जाता है, फिर आप लोग धरना प्रदर्शन पे आते हैं, फिर रख लिया जाता है, बार बार ऐसा क्यों होता है? ये सरकार की गलत नीति का विरोध जो है, गलत नीति है उसका हम लोग शिकार हो रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा आप लोग? ये सब सरकार की मेहरबानी है, सरकार जब चाहे तब तक। अभी यहाँ पे देखिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जफर जी मौजूद हैं, ये बताइए कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कभी हटाएंगे फिर लाए जाएंगे, कभी काम से हटाए जाएंगे? सरकार क्या बताया जाए सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो आप अक्सर आते हैं और नगर परिषद के जितने भी कर्मचारी उनकी आवाज़ अब सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले सरकार का ये नीति हो गई है कि इनको हटाओ प्राइवेट से काम कराओ, इनको हटाओ प्राइवेट। इसमें ऐसे भी कर्मचारी हैं जो 900 रुपया वेतन से काम कर रहे हैं, और जब 900 रुपया जब इनको वेतन मिलती थी तब से ये काम कर रहे हैं, जो आज के रेट में हम लोग 7938 रुपया हम लोगों को तनख्वाह मिलती है। आप सोचिए कब से लेकर और आज तक ये 2020 चल रहा, ये ख़त्म भी होने वाला है। ये सरकार की जो नाफरमानी है, हमेशा इनको हटा दो, इनको निजीकरण इनको हटा दो, इनको प्राइवेट से कर दो, इनको ये जो कर्मचारी हैं जो हम लोग 253 54 जो भी 58 आदमी, ये अभी फिलहाल कहाँ जाएंगे? कोरोना जैसे COVID-19 जो महामारी थी आपने खुद देखा कि सारे लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन नगर परिषद के जितने भी कर्मचारी थे, नाला का हो, रोड का सफाई हो, मोहल्ला का सफाई हो, ये टोटल नगर परिषद के ही कर्मचारी काम करते थे। और आज के डेट में इनको आप बैठाना चाहते हैं, 1 सितंबर तक हम लोग को टाइम मिला है कि 1 सितंबर के पास इन लोगों को बैठाल दिया जाएगा। इसके एवज में हम लोग जितने भी बिहार में 142 स्थान है जहां भी है, हर जगह हम लोग प्रतिवाद विरोध में आज हम लोग खड़े हैं। ये पटना हुआ, छपरा हुआ, गोपालगंज हुआ, बेतिया, मतलब 142 जगह पे मतलब अभी आप लोग काम कर रहे हैं। 1 सितंबर के बाद से आपको हटा दिया, 1 सितंबर के बाद से हम लोग हटा दीजिएगा। आप बताइए सर कि आखिर उस समय किनको लाया जाएगा? ये निजी ये मतलब एनजीओ के माध्यम से काम कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराना चाहते हैं। जो बताइए कि जब सरकार को रखना ही नहीं था तो ये क्यों हम लोग इतने कर्मचारियों को अभी तक फंसा के रखे? हमको अपना निजी 4 साल से ऊपर हो गया सर काम करते हुए, इनको 8 साल हो गया। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 20-20 साल, ये हमारे दुर्गा जी चाय पीछे ये अपनी पूरी जवानी खा गए हैं, ये पीछे पूरी जवानी यहाँ पे गवा दिए हैं, और ये बुढ़ापा में आज इनको सरकार रोड पे निकाल के फेंक दी गई। बताइए कहाँ जाएंगे आज? अगर मान लीजिए कि आपकी मांगे अगर सरकार नहीं मानती है तो 1 सितंबर के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जितना भी मतलब जितने भी हम लोग बिहार के हैं, हम लोग एक जगह अपना मीटिंग करेंगे और हम लोग विरोध प्रदर्शन हर हाल में करना ही है। क्योंकि आप देखिए अभी कोरोना जैसे महामारी है, प्रवासी मजदूर जो भी है जो बाहर से आए, उनको खुद तो सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, जो रोजगार में लगे हैं इनकी रोजगार छीन लिए जा रही है, आप कहां से देंगे? आप कहते हैं बिहार मेरा विकास करे, आप जब रोजगार दीजिएगा तब तो विकास करेगा। आपके जो यहां पे जनसंख्या जितने भी हैं इनको अगर से पर डे रोजगार नहीं मिलेगा, ये रोड पे आ जाएंगे, ये क्या खाएंगे या क्या पिएंगे? एक आदमी के पीछे कितना परिवार चलता है,
आप खुद सोचिए कितनी गरीबी आज के डेट में ये महामारी है जो पूरे देश पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करके रख दी है। इसमें प्रवासी मजदूर बिल्कुल आपको आपने देखा और इनकी बातों को समझना होगा सरकार को। और जिस तरह से इनसे बातचीत हुई जाहिर तौर पर कोरोना जैसी जब महामारी चल रही थी तो यही लोग शहर को साफ सुथरा अपनी जान को जोखिम में डाल करके और कर रहे थे। लेकिन आज जब कोरोना जैसी जो महामारी अब जैसे कि थोड़ी सी छूट दी गई और उसके बाद से इनका कहना है कि 1 सितंबर से हम लोगों को यहां से हटा दिया जाएगा और आउटसोर्सिंग यानी कि एनजीओ के माध्यम से सिवान शहर की सफाई कराई जाएगी। कितना हद तक सही है सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है, कोई 20 वर्षों से, जाहिर तौर पे जो बिहार की सरकार है सुशासन की सरकार रोजगार की बड़ी बड़ी दावे करती है लेकिन एक तरफ जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं उनके रोजगार छीनने की बात आखिर कहाँ तक और कितनी जायज़ है। नीतीश सरकार को कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अगर आप लोग को हटाने की बात चल रही है आने वाले समय में इसका खामियाजा नीतीश सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार हम लोगों के साथ कोई भी मतलब एथी नहीं कर रही है। सरकार हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है। सरकार को इसके एथी भुगतना पड़ेगा। इस बार सरकार को घाटा लगेगा इसलिए कि हम लोग 18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। उधर केंद्र सरकार बोल रही है का कि हम लोग हीरो हैं कोरोना के लिए लेकिन बिहार सरकार हम लोग जीरो से भी बदतर बना रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई कह रहा है कि आप अच्छे हैं, सरकार कह रही है बुरे हैं। सरकार को पैसा का फायदा है या आउटसोर्सिंग में उनको पैसा मिल रहा है ठेकेदार को सरकार को, इसलिए वो कर रही है हम गरीब आदमियों को हटा रही है, यही कहना। चलिए तो आपने सुना ये तमाम जी बताइए। एक बात है इसमें हम लोग दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपये लगभग दे रही है सफाई का। दुर्घटना में कोरोना कोविड में कोई भी व्यक्ति मरता है तो बिहार सरकार हम लोग कम से कम 50 लाख का भी बीमा करें ताकि हम लोग हमारे कोई किसी को कोई बीमा नहीं हुई नहीं कोई बीमा नहीं हुआ। तो मान लीजिए ये महामारी में कोई किसी कर्मचारी कुछ हो जाता है तो उसका परिवार का भरण पोषण कैसा हो? तो इसलिए सरकार 50 लाख का कम से कम बीमा करे ताकि आने वाला हमारा जो भविष्य परिवार का वो सुरक्षित हो जाए। तो आपने सुना कि ये नगर परिषद के जो कर्मी हैं और ये इनका कहना है कि बिहार सरकार हमें हटा रही है, आखिर हमारे परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो जाहिर तौर पे इनके बारे में सरकार को सोचना होगा, नीतीश बाबू को सोचना होगा, नहीं तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यही लोग सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के खिलाफ ये लोग चले जाएं और फिर आने वाला दिन उनके लिए बहुत कठिनाइयों से भरा हो सकता है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, नगर परिषद, ATN Live।